गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राखी पवार। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी होम रेमेडी शेयर करूंगी जो मानसून में आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। जब आप इस होम रेमेडी को यूज करेंगे तो आपके फेस पर ना ही पिंपल दिखेंगे, ना एक्ने की मुहासे कुछ भी नहीं दिखेगा और आपका फेस बहुत ज्यादा आपको ग्लोइंग दिखेगा। जितनी भी चीजें मैंने इसमें यूज की है वो आपके किचन में आपको इजिली मिल जाएंगी, आपको कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके घर में रखी हुई चीजों से, आपके किचन में रखी हुई चीजों से आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं और बरसात में आप इस होम रेमेडी को यूज करें तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग रहेगी और स्पॉटलेस रहेगी। अगर आपके फेस पर झाइयां हैं, आंखों के नीचे डार्क सर्कल हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, आपकी स्किन ढीली पड़ गई है तो उसमें भी आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप इस होम रेमेडी को 1 वीक तक डेली ट्राई करना और डेली लगाना अपनी स्किन पर, और 1 वीक के बाद आपने इसको 1 दिन छोड़कर लगाना है। मानसून में यानी बरसात में आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग रहेगी और स्पॉटलेस रहेगी और बहुत ज्यादा टाइट रहेगी। उसके लिए आपने इसको कंटिन्यू लगाना है और देख लेते हैं मैंने कैसे बनाया है, कैसे मैं इसको अप्लाई करूंगी। और उससे पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फेस पैक बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 1 चम्मच शहद चाहिए, 1/2 चम्मच नींबू का रस चाहिए और इनसे हम अपना फेस पैक रेडी करेंगे जो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, स्पॉटलेस बनाएगा। शहद एक्ने और पिंपल से लड़ता है और हमारी स्किन को गहराई से साफ करता है और हमारी स्किन को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाता है। शहद हमारी स्किन को एक नेचुरल तरीके से ग्लोइंग बनाता है, चेहरे से दाग धब्बों को हटाता है, झाइयों को हटाता है और डार्क सर्कल को हटाता है और हमारी स्किन पर एक बहुत अच्छा सा ग्लो लेके आता है। नींबू हमारी स्किन से डार्क स्पॉट्स, डार्क सर्कल और झाइयों को हटाने में हेल्प करता है, ब्लैक हेड्स को दूर करता है और पिंपल एक्ने को रिमूव करने में हेल्प करता है, हमारी स्किन को ब्राइट बनाता है और एजिंग के साइन को कम करने में हेल्प करता है। नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है, ये हमारी स्किन को खूबसूरत और चमकदार बनाने में हेल्प करता है। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच शहद में 1/2 चम्मच नींबू का रस ऐड करूंगी और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जैसे नींबू और शहद को पीने के बहुत फायदे हैं, ऐसे ही नींबू और शहद को अपनी स्किन पर लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। ये आपकी स्किन से दाग धब्बों को हटाएगा, डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट्स, झाइयों को हटाएगा और आपकी स्किन पर एक बहुत अच्छा सा ग्लो लेके आएगा। और यहाँ पर हमारा फेस पैक रेडी हो गया है और अब मैं इसको अप्लाई करूंगी। यहाँ पर मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है और फेस पैक को मैं अपने पूरे फेस पर, नेक पर लगा लूंगी। इस फेस पैक के रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आप इसको एक बार जरूर लगा के देखना। अगर आपने इसको एक बार लगा लिया तो आप इसको बार बार लगाएं, क्योंकि आपको अपने फेस पर एक बार में ही रिजल्ट दिखेंगे, आपको अपने फेस पर एक बार में ही बहुत अच्छा सा ग्लो दिखेगा। कोई भी मौसम हो, गर्मी, सर्दी, बरसात, कोई भी सीजन हो, आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए। होममेड चीजें जरूर यूज करनी चाहिए, होममेड क्रीम लगानी चाहिए, फेस पैक लगानी चाहिए। अगर आप बाजार से कितनी भी महंगी क्रीम या फेस पैक ले आए, वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा जो आपको होम रेमेडी में मिलेगा। मैं होम रेमेडी बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, अगर आप फर्क देखना चाहते हैं तो आप मेरी 2 से 3 महीने पुरानी वीडियो देख सकते हैं और ये वाला वीडियो देख सकते हैं तो आपको फर्क दिखेगा मेरी स्किन पर, मेरे फेस पर आपको बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा। और यहाँ पर मेरा फेस पैक सूख गया है और मैं इसको गीला करूंगी, 5 मिनट की मसाज करूंगी। और अगर आप मसाज नहीं करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है मसाज करने का, तो आप ऐसे ही वॉश कर लें। ये फेस पैक आपकी स्किन पर बहुत अच्छा सा ग्लो लेके आएगा, सारे दाग धब्बे, डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट सभी को हटाने में हेल्प करेगा और आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ग्लोइंग बनाएगा। और इसी तरह से मैं 5 मिनट की मसाज कर लूंगी और अपने फेस को वॉश कर लूंगी। यहाँ पर मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, रिजल्ट आप देख सकते हैं कि फेस कितना क्लीन हो गया है। मानसून में यानी बरसात में आप ये होम रेमेडी जरूर ट्राई करना। और मैंने अपने चैनल पर और भी होम रेमेडी शेयर की हुई है बरसात के लिए यानी मानसून के लिए, तो आप उनमें से भी देख सकते हैं, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग होती है, किसी को कुछ सूट आता है, किसी को कुछ नहीं आता। आने वाली वीडियो में मैं बहुत सारी होम रेमेडी शेयर करूंगी, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारी शेयर की हुई है होम रेमेडी, आप उनमें से भी ट्राई कर सकते हैं अपनी स्किन के अकॉर्डिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।